ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जी नमस्ते। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। हम स्वस्ति वाचन प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। आज हम स्वस्ति वाचन प्रकरण के तृतीय मंत्र का शुद्ध उच्चारण, उसके अर्थ का चिंतन और इस मंत्र के साथ हम क्या उपदेश ले सकते हैं, इस मंत्र के साथ हम क्या गति कर सकते हैं, इन पर विचार करने का प्रयास करेंगे। आज का मंत्र है स्वस्ति नो निमीता मश्विना भगः स्वस्ति देव्य दिति रनर वर्णः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। एक बार पुनः देख लीजिए, मेरे पीछे पीछे यदि पदच्छेद पूर्वक आप दोहराते भी जाएंगे तो भी आपको लाभ होगा। स्वस्ति नो मिमीता मश विना भगः स्वस्ति देव्य दिति रनर वर्णः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। आप देखिए, इसका संहिता पाठ भी एक बार आप सब लोग देख लीजिए और फिर आप सब लोग भी मिलकर के इसका संहिता पाठ करेंगे। बहुत सरल मंत्र है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। दो स्थानों पर इसमें थोड़े से उच्चारण में अशुद्धि देखने को मिलती है। देव्य दिति रनर वणः, एक इस पद पर और दूसरा द्यावा पृथ्वी सुचेतुना। यहां प्रवाह बिगड़ता है, लय भंग होती है। प्रायः एक और बात देखी जाती है कि जिस लय के साथ, जिस प्रवाह के साथ हम आरंभ करते हैं, उस ही प्रवाह उसी लय के साथ हम अंतिम तक नहीं निभा पाते हैं। तो एक श्रुति तो हमें एक श्रुति होती है, एक ही प्रारूप, एक ही पैटर्न, एक ही स्वर, एक ही उच्चारण, एक ही प्रकार का। तो देखिए,
स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। आशा करता हूँ आपको स्पष्ट हुआ होगा। आप सब लोग एक बार मिलकर इसका संहिता पाठ उच्चारण करें। स्वस्ति नो नाभा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलो किन्हीं एक दो व्यक्ति से पूछ भी लेते हैं व्यक्तिगत रूप से, उनको समझ में आया है अथवा नहीं। आदर्श गुट की आईडी से जुड़े हुए हैं, एक बार आप इसका उच्चारण करें। ओम आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। बहुत सुंदर। एक स्थान पर विशेष ध्यान देंगे, पूषा। ये पूषा नहीं है, ये मूर्धन्य षकार है। जिनको यह मूर्धन्य षकार अलग से ना बोला जावे उनके लिए अभ्यास बता देता हूं। टा वर्ग के साथ एक एक टा वर्ग के एक एक वर्ण के साथ इस शकार का उच्चारण करें। जैसे ट श, जो प्रयास, जो स्थान ट अक्षर का है, ट वर्ग के प्रत्येक अक्षर का है, वही स्थान इस मूर्धन्य शकार का है। ट श, श, ड श, ढ श इत्यादि। बाकी ठीक। चलिए किन्हीं और से भी एक दो सुन लेते हैं। प्रतिभा के इस आईडी से कोई जुड़े हैं। हां जी नमस्ते सारे। नमस्ते। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। उत्तम। देखिए मैंने पदच्छेद इसीलिए करवाया था, देव्य दिति रनर। अगर आप देव्य दिति रनर करेंगे ना तो दितिर, जब आप ऐसा कहते रेफ हलंत वाला हो जाएगा, या तो दितिरा ऐसा करेंगे अथवा दिति रनर वणा। बहुत बढ़िया गौरव, एक बार गौरव उच्चारण करेंगे। जी आचार्य जी। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। बहुत सुंदर, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। चलिए आपको समझ में आ गया है। आचार्य जी मैं करूं एक बार। हाँ कीजिए। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। रामपाल जी भी करना चाहते हैं, कीजिए। जी प्रयास करता हूँ आचार्य जी। नमस्ते। ओम स्वस्ति नो मिमीताम विश्वना भगः स्वस्ति देव अदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति धावा पृथिवी सुचेतुना। अच्छा प्रयास है, बढ़िया।
कुछ एक त्रुटियां हैं किंतु प्रयास अच्छा है। हाँ, इसमें देव अदिति में ये कम भूल गया आज मेरे से। कोई बात नहीं, ठीक है। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो एक लंबी यात्रा। नमस्ते। नमस्ते बेटे जी, मैं भी करूं क्या एक बार बोल के दिखाऊं? कीजिए। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देवधीतरंगणः वरुणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुनः स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतुना। बढ़िया, उत्तम। चलिए, धन्यवाद बेटे। इसके भाष्य पर विचार करते हैं, इसके अर्थ पर विचार करते हैं। भगा, सेवा के योग्य जो पूजनीय हो, जिसका सेवन किया जावे। अब सेवन शब्द है तो सेवन शब्द का अर्थ केवल जो थोड़े से सामान्य बुद्धि होते हैं वो लेते हैं। सेवन का अर्थ खाना, जैसे भोजन का सेवन करते हैं, जैसे जल का सेवन करते हैं। तो सेवन का अर्थ केवल खाना या जल की भांति उसको पी लेना नहीं होता, जल और भोजन का भी ग्रहण किया जाता है और ग्रहण को संस्कृत में सेवन ऐसा भी कह देते हैं। सेवरी सेवने धातु से सेवन शब्द की सिद्धि होती है। तो भोजन का जल का भी ग्रहण किया जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है, अर्थात जो स्वीकार करने योग्य हो उसे कहते हैं सेवन। भगा, जो सेवा के योग्य है। सेवा के योग्य कौन है? तो भगवान। और भगवान कौन कौन? तो जहां जिसका प्रकरण हो वहां उससे उसी भगवान को ले लेना चाहिए। भगवानों में प्रायः भ्रांति होती है कि भगवान किसको कहें। तो मनुष्य देहधारी पुरुष की भी भगवान संज्ञा होती है, अर्थात अल्पज्ञ पुरुष को भी भगवान शब्द से स्वीकार किया जाता है और सर्वज्ञ पुरुष को भी भगवान शब्द से सिद्ध स्वीकार किया जाता है। जैसे भगवान कृष्ण, तो भग शब्द जो है, ये भग शब्द जो है ऐश्वर्य अर्थ में भी होता है और भग का तात्पर्य एक और भी होता है जिसके पास छह सिद्धियां मानी जाती हैं। जिनके पास ये छह सिद्धियां हो उनको भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है और भगवान कृष्ण आदि के पास ये छह सिद्धियां थी, इसलिए भी इनको भगवान रूप में स्वीकार किया जाता है। और माता पिता को भी भगवान के रूप में संसार में लोक में स्वीकार ही करते हैं। अपने गुरु को भी भगवान के रूप में कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्मा। यहाँ तो परब्रह्म से तुलना की जा रही है, यद्यपि भाव उद्देश्य यहाँ ये है कि परब्रह्म तक बोध कराने के लिए, परब्रह्म तक जो पथ जाता है उस पथ पर आप ही की दया से कृपा से आप ही के निर्देशन में मैं बढ़ पाया, इस रूप में वहां लेना चाहिए, अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अस्तु। तो भग अर्थात जो सेवन करने योग्य, जिसका सेवन कल्याणकारी हो, जिसके सेवन करने से हमारी पुष्टि होती हो। कैसी? तो देखो, अश्विनो, जैसे सृष्टि में सूर्य और चंद्रमादि, समाज में अध्यापक तथा उपदेशक आदि और परिवार में माता पिता अग्रज आदि, ये सब। नहा, हमारा स्वस्ति कल्याण। मिमीताम, मांग माने धातु से ये शब्द निष्पन्न होता है और इसका अर्थ करेंगे मिमीताम का, हमारा कल्याण करे जो हमारी पात्रता है अथवा जिसके हम योग्य हैं। मिमीताम अश्विना ऐसा था ना, तो जैसे सृष्टि में सूर्य चंद्र, समाज में अध्यापक उपदेशक, परिवार में माता पिता अग्रज आदि, ये सभी हमारा कल्याण करें। कितना?
जो हमारी पात्रता है, जो हमारी योग्यता है, जो हमने इस जीवन में अर्जित कर लिया है। उदाहरण के लिए आप कहें ऐसा क्यों, पांचवी कक्षा के छात्र को पीएचडी का या यूं कहें परास्नातक के विषय को नहीं पढ़ाया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता, चाहे वह जितना बुद्धिमान क्यों ना हो, क्योंकि एक क्रम है, एक व्यवस्था है, और क्रम के अनुसार यदि कोई आगे आगे बढ़ता जाता है तो फिर उसको परास्नातक स्तर का जो विषय होगा वो भी स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, अतीव बुद्धिमान यदि कोई है उसको कुछ कुछ बातें स्पष्ट भी हो सकती है, ये भी संभव है, किंतु सर्वस्व नहीं। जैसा कि वहां तक यात्रा करते करते जब पहुंचते हैं, जैसा कि तब समझ में आया भाई, ऐसा तो मिमीताम हम सबको उतना ही कल्याण करें जितना कि हम योग्य हैं, जितने हम पात्र हैं, जितनी हमने पात्रता सिद्ध कर ली है। अब हम क्या कहते हैं, प्रभु आप कल्याण स्वरूप हो, हमारा भी कल्याण कीजिए। निस्संदेह हम सबका कल्याण ही हो रहा है, प्रत्येक श्वास प्रत्येक स्थिति में हमारा कल्याण ही हो रहा है, जिसे हम अकल्याण की दृष्टि से भी देख रहे हैं ना, जिसको हम आंक रहे हैं कि ये मेरा कल्याण नहीं, ये मेरा अकल्याण है, रोगों ने घेर लिया, कोई अन्य प्रतिकूलता आ गई, कोई अन्य स्थिति है, प्रयास करते हुए भी उपासना में गति नहीं हो पाती, खूब जितना हो सकता है यम नियमों का पालन करते हैं, स्थिति ही नहीं बन पाती, ऐसा लगता है अरे ये हमारा अकल्याण है। लेकिन बहुत व्यापकता से, बहुत ही गंभीरता से जब कभी कभी भी विचार कर पाएंगे तो समझ में आएगा कि उस समय जो था वो बहुत बहुत उत्तम कोटि का था, निश्चित वह कल्याण ही था और वह मेरी पात्रता थी। एक छोटी सी बात कहता हूं स्वप्रत्यक्ष आधार के आधार पर, वर्तमान जीवन में चित्त की एक उत्तम भूमि तक प्रभु कृपा से हम इस वर्तमान जीवन में गति कर पाए, उसके बाद वह स्थिति हमसे धूमिल हो गई या यूं कहें खो गई। बार बार प्रयास करने पर पुनः वह स्थिति नहीं आती, विषय स्थितियां आंतरिकता इतने गंभीरता से पकड़ में आती है, लेकिन वो नहीं होता जिसके लिए हम चेष्टा करते हैं, जिसके लिए हम खूब प्रयत्न करते हैं, आंखें खोलकर चलते हुए बहुत अच्छी स्थिति में अवस्थित हो जाते हैं, अनेकों बार जब चाहे तब, ऐसी प्रभु की कृपा है। लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त नहीं कर पाते, बहुत दिन तक बहुत दुखी रहे इस बात को लेकर के, हम किसी से कहते भी नहीं थे क्योंकि ये हमारा आंतरिक मामला था, इसे हम केवल प्रभु के साथ ही साझा करते थे, आज आपके साथ भी कर रहे हैं। ऐसे ही अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व मुझे स्पष्ट हुआ इसमें भी प्रभु का कल्याण ही है, क्योंकि पूर्व जन्म कृत कहें अथवा इस जन्म में कोई एक कुसंस्कार ऐसा है जहां से मेरे भीतर उच्च स्थितियों को लेकर के उनके प्रदर्शन करने रूपी संस्कार विद्यमान है, और जब मैंने जीवन का पूरे का अवलोकन किया तो मैंने पाया कि हाँ जब अच्छी स्थितियां थी तब कई बार मेरे द्वारा ऐसा आचरण भी किया गया, और जिस क्षण मुझे ये बात विदित हुई ना, जिस क्षण मैंने इस बात को स्पष्टता से देख लिया, जब मुझे इसका प्रत्यक्ष हुआ, तब मुझे आपको मैं बताऊं कि बहुत धन्यवाद प्रभु, निश्चित आप विशुद्ध कल्याणकारी ही हैं, आप निमिताम ही हैं, जो मेरी पात्रता है अगर संप्रज्ञा समाधि सिद्ध भी हो जावे और प्रदर्शन की स्थिति में चला गया, जैसा कि पिछले काल में भी ऐसा हुआ अनेक बार, ऐसे संदर्भ उपस्थित हुए, तो योग मार्ग से तो भटक गया ना, हुए ना दुर्गति, और आगे आने वाले जीवनों में ना जाने अब इस संस्कार के वशीभूत कौन से देह धारण करने पड़े, जहां प्रदर्शन मात्र रह जाएगा जीवन केवल, जहां बद्ध हो जाएंगे इससे भी अधिक। देवी
वहां पर दिव्य शब्द है ना, दिव्य ऐसा दिव्य दिति, तो दिव्य और इसको पदच्छेद करेंगे तो देवी अदिति, इको यणचि लग करके दिव्य अदिति हो गया। इन दोनों को पृथक करेंगे तो देवी अदिति ही ऐसा होगा। तो देवी शब्द का अर्थ होता है दिव्य गुण वाली, जैसे देव शब्द का अर्थ होता है, जो अर्थ देव शब्द का होता है वही अर्थ देवी का भी होता है, बस वो स्त्रीवाचक स्त्रीवाचक संज्ञा में आ जाएगा, इतना अंतर। अदिति ही, तो अदिति शब्द का अर्थ पृथ्वी भी होता है, अदिति सूर्य की किरणों को भी कहते हैं, अदिति प्रातः काल का जो समय होता है जिसको उषा कहते हैं उसको भी कहते हैं। अदिति शब्द के अनेकों अर्थ है। तो जो दिव्य गुणों वाली पृथ्वी, यहां पर हम पृथ्वी अर्थ लेंगे मुख्य रूप से, और पृथ्वी के साथ साथ ये सूर्य की किरणें, प्रातः काल की उषा, इन सबको हम संदर्भ के साथ में ग्रहण कर ही लेंगे, क्योंकि पृथ्वी के साथ ये सब उपस्थित होती ही है। दिव्य गुण वाली पृथ्वी तथा अनर्वण, रिगत धातु से अर्वण शब्द होगा जिसका अर्थ होगा गतिवान, और अनर्वण, जब अनर्वण शब्द होगा तो इसका अर्थ होगा गति रहित, और गति रहित कौन है, पर्वत श्रृंखलाएं। अदिति कैसी है, दिव्य गुणों वाली है लेकिन कैसी है, गतिमान है, और जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये पदार्थ कैसे हैं, अनर्वण है, ये गति रहित है, कैसे हो, स्वस्ति हमारे लिए कल्याणकारी। अब ये बात समझ में नहीं आती, ये स्पष्ट नहीं होता कि पर्वतों के लिए भी ऐसी बात क्यों कही। तो देखो वर्तमान संदर्भ से भी जोड़ते हैं, केदारनाथ अभी भी देखो क्या स्थितियां हैं, और पिछले दिनों लगभग संभवतः 2014 में आया था ना एक बार केदारनाथ में, वो संभवतः 13 या 14 में आया जी। तो इसलिए ये जो स्थिर पदार्थ होते ना, इनके ऊपर मिमीताम उतने ही लोगों का जाना अथवा उतनी ही हलचल, उतनी ही चेष्टाएं करनी चाहिए जितना उनकी पात्रता है, जितनी जितना उनकी योग्यता है। यदि किसी पर्वत श्रृंखला पर आप उसकी पात्रता से अधिक चेष्टाएं करेंगे, उपद्रव करेंगे, तो वही होगा जो केदारनाथ में 2013-14 के आसपास हुआ, या जो अभी 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 कुछ दिनों पूर्व हुआ, और ऐसा चहुंओर होता रहता है। इसलिए कहा अनर्वण स्वस्ति, ये जो अनर्वण पदार्थ है ये हमारे लिए भी कैसे हो, कल्याणकारक हो, हमारे लिए शुभकारी हो, मंगलमय हो जाए। आगे देखिए असुरः, अब असुर शब्द जैसे आता है तो उसका हम क्या अर्थ लेते हैं, असुर का मतलब जो त्याज्य हो, जो अग्राह्य हो, लेकिन यहां क्या अर्थ करते हैं असुर शब्द का, जीवनदाता। असुरः पूषा, जो जीवनदाता मेघ है। देखो आपको एक नया अर्थ जानने को मिल रहा होगा, असुरः पूषा, पूषा कौन है, तो पूषा के लिए एक विशेषण विशेष्य का प्रयोग है यहाँ, असुरः, असुरः जो जीवनदाता है, मेघ, मेघ किसे कहते हैं, बादलों को, नहा अस्माकम, हम सभी के लिए, अस्मभ्यम हम सभी के लिए, स्वस्ति दधातु कल्याण को देने वाले होंगे। ऐसा क्यों कहा, देखो जब हम त्रिताप पर विचार करते हैं, त्रिविध दुख पर विचार करते हैं, तो वहां पर एक बात आती है, अतिवृष्टि अनावृष्टि, ये दोनों ही हमारे लिए दुखकारी हैं। यदि वर्षा हो ही ना, ये भी समस्त प्राणियों के लिए दुखकारक है, और यदि वर्षा अधिक हो जावे तो भी दुखकारक है। इसलिए कहा कि ये जो मेघ है ना, हमारे लिए कैसे हो, कल्याण को देने वाले, और कैसे हो, आजकल एक बात कही जाती है कि विषैली वर्षाएं हो रही है, जिसको प्राचीन काल में कहते थे कि उन राक्षसों ने वहां पर ऐसी ऐसी विषैली वर्षाएं की, तो राक्षसों ने का तात्पर्य क्या होता है, ऐसे ही वही मनुष्य, वही इस प्रकार की दूषित वृत्तियों वाले, दूषित संस्कारों वाले, जो इस पृथ्वी आदि का लगातार और अत्यंत दोहन करते हैं, अथवा यूं कहें पृथ्वी पर विद्यमान पदार्थों का अत्यधिक अनावश्यक दोहन करते हैं, तो ये क्या होता है, तो ये
नभ मंडल में चढ़ जाता है वाष्पादी बन करके, जिस प्रकार का भी दोहन होगा प्रदूषण फैलेगा धुएं के रूप में, जिस रूप में भी, जल के स्तर पर, वायु के स्तर पर, जो भी जिस प्रकार का भी प्रदूषण फैलाया जाएगा, जिस प्रकार के भी पदार्थ का दोहन किया जाएगा, वह दोहन के उपरांत वह नभ मंडल में चढ़ेगा ही, और नभ मंडल में चढ़ेगा तो जैसे ही वर्षा होगी निश्चित बात है वो दूषित वर्षा ही होगी, वो रोग कारक वर्षा ही होगी। तो इस समय मेघ हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, अकल्याणकारी है। जैसे जब कहते हैं मानसून की जो प्रथम वर्षा होती है, वह वर्षा, उस वर्षा में यदि कोई स्नान आदि कर ले या भीग जावे तो बहुत अधिक संभावना है कि वह रोगी होगा ही होगा, उसको रुग्णता घेरेगी ही। और उस समय क्योंकि पृथ्वी पर यह समूची वर्षा होती है, उस पृथ्वी से उत्पन्न अन्न, शक, शाक, कंद, मूल, फल, वनस्पति, औषधियां, औषधियां, सब्जियां आदि, इनका सेवन भी जो करते हैं उनको भी रुग्णता आकर के घेर लेती इस रूप में। तो ये जो असुरह पूषा है ये हमारे लिए कैसे हो, स्वस्ति दधातु, स्वस्ति अर्थात कल्याण को देने वाले हो जाए। और क्या कहा, द्यावा पृथ्वी, जो द्यावा द्यूलोक और पृथ्वी अर्थात प्रकाशक और प्रकाश्य लोक, देखो कितना सुंदर अर्थ करते हैं द्यावा पृथ्वी का, प्रकाशक और प्रकाश्य लोक, प्रकाश से प्रकाशित हैं जो लोक उनको कहेंगे प्रकाश्य। जैसे प्रकाशक किनको कहेंगे, तो सूर्य, जैसे सूर्य आदि जो पदार्थ है इनको कहेंगे प्रकाशक क्योंकि ये प्रकाश करने वाले। और प्रकाश्य लोक तो पृथ्वी को, चंद्रमा को, बुध, बृहस्पति आदि, मंगल, इन सब पर जिस प्रकाश से इन सब ये सब प्रकाशित हो रहे हैं उसको क्या इनको सबको क्या कहेंगे, प्रकाश्य लोक। और जिन से प्रकाशित हो रहे हैं उसको कहेंगे प्रकाशक। तो प्रकाशित हो रहे हैं सूर्य से और प्रकाश्य हैं ये हैं सब पृथ्वी आदि के कारण। ये कैसे हो जावे, सुचेतुना स्वस्ति, उत्तम ज्ञान से हमारा कल्याण करें। अब ये कल्याण करें या इनके इस व्यवस्था को समझते हुए उत्तम ज्ञान से हम कल्याण की ओर बढ़ें, इसको थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, आज का यह विषय हो जाएगा। तो देखिए, जो प्रकाशक हैं और जो प्रकाश लोक हैं, अर्थात सीधे शब्दों में कहें तो जो द्यूलोक और पृथ्वी आदि पदार्थ हैं, यहां पर कौन कौन सी स्थितियां घटित हो रही हैं, उन घटित स्थितियों में कौन कौन से नियम काम कर रहे हैं, उन नियमों से समस्त प्राणियों पर किस किस प्रकार के प्रभाव आ रहे हैं, इसको सुचेतुना, इस उत्तम ज्ञान से, इस उत्तम प्रकार के बोध से स्वस्ति हम कल्याण को प्राप्त हो जाएं। अर्थात द्यौः शान्तिः, आप कहते हैं ना शांति पाठ में, तो जो द्यूलोक है वो भी कैसा हो, स्वस्ति हो, स्वस्ति कारक हो। पृथ्वी शांति, पृथ्वी विषय हमारे लिए कल्याणकारी हो। रापह अर्थात आपह शांति, जल भी हमारे लिए शुभ हो, कल्याण देने वाला हो, इत्यादि बहुत सारी बातों में वहां कहा है, उस पर विचार करेंगे तो वहां गंभीरता से विचार करें। अब इसके भावार्थ के रूप में देख लीजिए, भगहा, हे प्रभु, हे सेवनीय, हे पूजा पूजनीय, पूजा करने के योग्य। अब देखो पूजा शब्द से प्रायः हम भी एक अर्थ करते हैं और अन्य भी कहते हैं, पूजा भगवान की नहीं की जाती, की जाती है। भगवान की पूजा कैसे की जाती है, उनकी आज्ञाओं को मान करके, उनकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन को जी करके। जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है वो स्वयं भी भग हो जाता है, अर्थात ऐश्वर्य वाला हो जाता है, उसको भी ये छह सिद्धियां, छह विशेष सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसे भगवान कृष्ण, इनके विषय में कहते हैं कि युद्ध करते हुए भी ईश्वर परिधान में रहते थे और ऋषियों मुनियों ने इन्हें नाम दिया योगेश्वर। देखो कितनी ऊंची सिद्धि, युद्ध करते हुए ईश्वर परिधान में अवस्थित रहना, ये सामान्य योग्यता नहीं है, ये परमात्मा के मन्यु स्वरूप का वर्ण है। एक होता है क्रोध और एक होता है मन्यु। तो मन्यु कहते हैं विवेक पूर्वक,
न्याय, विवेक पूर्वक न्याय करने की स्थिति को मन्यु कहते हैं। और क्रोध किसको कहते हैं? आवेश को, अथवा द्वेष को, अथवा जिसको हम कहें बदले की भावना इस रूप में, अथवा प्रतिकार, अथवा प्रतिशोध, इन सबको क्रोध की संज्ञा में ले सकते। तो देखिए, हे प्रभु, हे सेवन करने योग्य, जिसका सेवन कैसा हो? अत्यंत स्वस्तिकर है। सूर्य, चंद्र, धन संपत्ति, दिव्य दिव्या पृथ्वी, अचल पर्वत और पुष्टिकारक, पुष्टिकर्ता, जीवनदाता मेघ, प्रकाशक और प्रकाशलोक, ये सभी हमारे लिए कल्याणकारी हो जाए। तो देखिए, दो बातें इसमें समझ में आएंगी। मोटे मोटे स्तर पर यदि कहें, जो हमारी पात्रता है उस पात्रता के आधार पर भगह प्रभु हमारा कल्याण कीजिए, और ये समस्त पदार्थ हमारा कल्याण करें, अर्थात इनसे हम कल्याण को प्राप्त हों। ये स्वयं हमारा कल्याण नहीं करेंगे, जो जो मिमीताम, जो जो हमारी योग्यता है, पात्रता है, प्रभु आप उतना हमारा कल्याण कीजिए, उतने हमें कल्याण पथ की ओर बढ़ाइए। सु अस्ति पंथाम अनुचरेमा, देखो यहां पर क्या बात की, इस बात की पुष्टि होती है। अनुचरेमा अनुपूर्वक है, अनुपसर्ग पूर्वक है, चरेमा चरगति भक्षण यो धातु से, तो अनुचरेमा अनुसरण करते हुए, स्वयं चलने की, स्वयं चलाने की बात नहीं कही है इन्होंने। हम किसका? सुअस्ति पंथाम, स्वस्ति पंथाम, स्वस्ति पथ का अनुसरण करने वाले हों, अनुकरण करने वाले हों, उसके पीछे पीछे चलने वाले। तो ये जो समस्त पदार्थ हैं, अश्विनौ जिसको सूर्य चंद्रादि से कहा, इन सब जितना भी हमने देखा यहाँ पर, अनर्वण अथवा असुर पूषा, द्यावा पृथ्वी, ये समस्त पदार्थ, इन सब से हम यथा योग्य उपकार लेवें। अगर स्वामी जी की पंक्ति में, स्वामी जी के शब्दों से कहें तो, यथा योग्य उपकार कब ले पाएंगे? तो जिसकी जो पात्रता और जो योग्यता होगी वो उतना ही उपकार ले पाएगा। देखो एक गंभीर रहस्य क्या समझ में आता है। अब ठीक, जैसे हमारी जो पात्रता और योग्यता है उसके आधार पर प्रभु हमारा, हमारे लिए कल्याण पथ प्रदान करें और हम भी इन समस्त पदार्थों से कल्याण को सिद्ध करें, ठीक इसी प्रकार से हम जिस भूमिका में हैं उस भूमिका के आधार पर जिसकी जितनी पात्रता है उसको उतनी ही विद्या आदि पदार्थों से सुभूषित कर उसके कल्याण के लिए प्रयत्न करें। किसी की पात्रता यदि मान लेते हैं अहिंसा को समझने की भी नहीं है, और किसी ने कहा अकारण चींटी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए और यदि पर्याप्त कारण हो तो रक्त की नदियां बहा देनी चाहिए, अब उसे प्रथम बात बहुत अच्छे से गंभीरता से समझ में नहीं आई, लेकिन ये मान लीजिए क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, द्वेष प्रवृत्ति का व्यक्ति है, लेकिन इसे क्योंकि जिस प्रकार की इसकी प्रवृत्ति है, अब दूसरी बात के साथ ही अच्छे से जुड़ जाएगा कि अच्छा यदि पर्याप्त कारण हो तो रक्त की नदियां बहा देनी चाहिए। अब किसी से थोड़ा सा झगड़ा हुआ, थोड़ी सी कहीं समाज में किसी के साथ प्रतिकूलता आई, तो इसको क्या बात स्मरण हो आएगी? यही कि देखो मेरे गुरुजी ने कहा था कि यदि पर्याप्त कारण हो तो रक्त की नदियां बहा देना, चलो निकालते हैं तलवार। तो ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा कि अपात्र को ऐसी बात, या उसकी पात्रता को सिद्ध किए बिना हमने वो बात उस तक पहुंचा दी, और ऐसे समाज में अनेकों हानियां होती हैं। जैसे एक और बात साझा करता हूं, अभी की घटना है, 2-3 दिन पूर्व दो युवकों ने, रजनीश ओशो नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, चिंतक विचारक हुए हैं, इनका एक प्रवचन मिलता है मैं मृत्यु सिखाता हूं। इस प्रवचन को सुनकर के, इस उद्बोधन को सुनकर के दो युवकों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पूर्व उन्होंने यही प्रवचन सुना था कि मैं मृत्यु सिखाता हूं, और मृत्यु अंतिम सत्य मृत्यु ही है, बस अंतिम सत्य मृत्यु है, इस बात के साथ वो जुड़ गए, कनेक्ट हो गए। तात्पर्य क्या लेना था इस पर उनका कोई विचार नहीं आया, लेकिन क्या हुआ, इस विचार के साथ जुड़ गए कि अंतिम सत्य मृत्यु है। दोनों युवकों ने
मिलकर के सोचा चलो सत्य को जानते हैं। अब सत्य को जानने के लिए उन्होंने क्या किया, आत्महत्या कर ली। इस आधार पर आशा करता हूं ये विषय आपको स्पष्ट हुआ होगा। ठीक है, आज का विषय इतना ही रखते हैं। यदि आचार्य जी एक बार ये स्वस्थ नो मिमीता मसुना का क्या बताया आपने? स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण, नो को पदच्छेद करेंगे तो नह अस्माकम हमारे लिए, हमारे लिए कल्याणकारी हो। निमिताम शब्द का अर्थ होता है जितने हम योग्य हैं, जितनी हमारी पात्रता है उसके आधार पर, अर्थात जिसको ऋषि प्रायः स्थान स्थान पर लिखते हैं यथा योग्य। देखो एक शब्द में कितनी गंभीर बात कहते हैं ऋषि, यथा योग्य यही निमिताम है। मांग माने इस धातु से ये मिमीताम शब्द सिद्ध होता है। माप करके ऐसा कह सकते हो, तोल करके हमें उतना ही दीजिए, तोल करके जितना कि हम अपने पास धन लेकर के आए। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा हम कहते हैं, मान लीजिए हमें गुड़ की आवश्यकता और हम गुड़ खरीदने गए किसी के दुकानदार के यहाँ, गुड़ का मूल्य है मान लीजिए 40 रुपए किलो और हमारी जेब में 20 रुपए हैं, हम कहें भैया 1 किलो गुड़ दे दो, तो उसको क्या करना चाहिए? मिमीताम, नाप करके देख लेना चाहिए, तोल करके देख लेना चाहिए कि ठीक है ये लीजिए 1 किलो गुड़ हो गया 40 रुपए। अब वो कहे नहीं साहब मेरे पास 20 रुपए हैं, तो तेरी पात्रता कितनी है, तेरी योग्यता कितनी है? आधा किलो गुड़ की। भले ही तेरी इच्छा अथवा आवश्यकता 1 किलो की हो भले, लेकिन तेरी पात्रता तेरी योग्यता आधा किलो की है क्योंकि तेरे पास 20 रुपए। आशा करता हूं अब अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, हाँ मिमीम ताम का तो आ गया, फिर अश्विना का क्या बताया आपने? अश्विनौ शब्द के दो अर्थ किए, बहु द्वितीय द्विवचन में है, जैसे रामः रामौ तो अश्विनः अश्विनौ ऐसे रूप चलेंगे। तो सूर्य और चंद्रमा यानी जोड़े, जोड़े के रूप में, जैसे अश्विनी कुमार होते हैं तो अश्विनी कुमार के रूप में भी किनको पढ़ाया जाता है? दो को पढ़ाया जाता है जो जोड़े में होते हैं, जैसे सूर्य के साथ चंद्रमा का जोड़ा होता है, अध्यापक के साथ उपदेशक का जोड़ा होता है, माता के साथ पिता का जोड़ा होता है, आचार्य के साथ शिष्य का जोड़ा होता है, इस प्रकार से। आचार्य जी आ गया समझ में। ठीक है, अश्विनों का तात्पर्य दो, जैसे हम जब आरंभ करते तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर भी दो के लिए कहा है, माँ विद्विषा वही सह नौ अवतु नौ, तो नौ शब्द भी द्विवचन के लिए है यहाँ। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद आचार्य। अन्य किसी का कोई प्रश्न अथवा शंका हो तो आप हाथ उठाएं। हाँ गौरव जी, आचार्य ये 6 सिद्धि आपने बताई, इनका नाम मतलब क्या कहते हैं? अच्छा सिद्धियों के चक्कर में उलझना मत, इसलिए हमने बस 6 सिद्धि कह करके इसी पर विराम दे दिया, क्योंकि यहाँ पर जिज्ञासा भाव अधिक उत्पन्न होता है। 6 सिद्धियां क्या है यहाँ, जिसको आंगल भाषा में कहें तो क्यूरियोसिटी यहाँ ज्यादा आती है। चलो इन सिद्धियों को भी हम देख करके बताएंगे, अभी हमें उपस्थित नहीं। ठीक है बेटा जी, जी आचार्य जी, बस यूं समझिए भगह, यदि आपको ये समझ में आ जावे कि मुझे भक्त बनना है, भक्त बनने के लिए सेवन करना होगा, किसका? जो सेवन के योग्य है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो भौतिक पदार्थ भी हो सकता है, वो अभौतिक भी हो सकता है, वो जड़ भी हो सकता है, वो चेतन भी हो सकता है। जिसके सेवन से पुष्टि होती हो, जिसके सेवन से उन्नति होती हो, जिसके सेवन से बल बढ़ता हो, तो 4 प्रकार के बल अपने इस परंपरा में स्वीकार किए जाते हैं, शारीरिक मानसिक बौद्धिक, और इन सब में सर्वश्रेष्ठ आत्मिक। किंतु आत्मिक बल को बढ़ाने के लिए शारीरिक बल का होना अत्यंत आवश्यक है, शारीरिक बल हो और मानसिक ना हो तो आत्मिक बल नहीं बढ़ता, शारीरिक हो मानसिक और बौद्धिक बल ना हो तो आत्मिक बल नहीं बढ़ता। तो इन सब की दृष्टि से शारीरिक मानसिक और बौद्धिक इन सब की सहायता से आत्मिक बल, तो 4 प्रकार के बल जिसके सेवन से बढ़ते हो उसे कहते हैं भक्त।
बस इतना समझ लीजिए, ठीक है जी आचार्य। रामपाल जी, आचार्य जी एक दो मिनट का टाइम लूंगा, कृपया दीजिए। आचार्य जी हमने जो मैंने कोर्स किया था ये महेश योगी वाला, तनिक रुकिए, यदि आपका प्रश्न है तो प्रश्न पहले ले लीजिए, ये वाली जो चर्चा उसको बाद में रख लेंगे। हाँ, उसमें सात चेतनाएं लिखी थी जी, जी उसमें एक भगवत चेतना थी जिसको बॉडली कॉन्शियसनेस कहते हैं, यानी चेतना थे जागृत स्वप्न सुषुप्ति और ये तुरिया तुरियातीत भगवत और तुरिया तुरियातीत भगवत और ब्रह्मी चेतना सात इस प्रकार से लिखी थी जी। तो इस तरह से पढ़ाई गई थी, क्या हमारे यहाँ भी यही मान्यता है? अंतर क्या है इसमें? योग दर्शन का एक छोटा सा कंसेप्ट उठा करके आपको पढ़ा दिया, आपको लगा बहुत कुछ नई बात है। नहीं, योग दर्शन हमारे आचार्य जी ने पढ़ाया था, वेदनिष्ठ ने, वे कहते थे यहाँ भगवत चेतना ये होती नहीं, केवल तीन ही चेतना होती है, चार ही होती है। व्यापक बुद्धि के अभाव के कारण कई बार ऐसा होता है, अथवा जी कई बार विषय उपस्थित ना होने के कारण उस समय में तब भी ऐसे कथन कह दिए जाते हैं। यदि आचार्य वेदनिष्ठ जी ने भी ऐसा कहा है, दोष अथवा त्रुटि किसी से भी हो सकती है, और कई बार आपके कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो जिनका उत्तर हमें तत्क्षण उसी समय हमें उपस्थित नहीं होता, तो ऐसे आचार्य वेदनिष्ठ जी के भी साथ हो सकता है। ये जो भगवत चेतना की बात आपने कही, इसको जो प्रश्न किया म्यूट कर लिया करें प्रश्न करके जी, भगवत चेतना से यहाँ तात्पर्य है जिसने अपने मलों को हटा दिया है उसको भगवत चेतना कहते हैं। कौन सी कठिन बात है इसमें? भगवत चेतना कोई अलग से नहीं है, जिस चेतना ने, जिस आत्मा ने, जिस अल्पज्ञ पुरुष ने समाधि के बल से अपने को निर्मल कर लिया है, अपने संस्कारों को दग्ध कर लिया है, उसी को भगवत चेतना कह देते हैं। तत्र का बाधा, उसके गुण ये बताए थे, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय अलग अलग होते हैं, वो यूनिटी कॉन्शियसनेस ब्रह्मी में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय तीनों एक हो जाते हैं, इसलिए मोक्ष हो जाती है। हाँ, तो वही उसमें कौन सी बड़ी बात है? ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, तो इसी को दूसरे शब्दों में देख लो, कौन सी बड़ी बात है? प्रमाता प्रमिति और प्रमेय, प्रमा, ऐसे तो बहुत सारे शब्द मिल सकते हैं। कुछ नहीं, दर्शनों के एक छोटे छोटे कंसेप्ट को उठा करके, ये संजीव मलिक हो या जिन्होंने आपने जिनका आपने नाम लिया महेश योगी या जो भी है संसार में जो भी लोग काम कर रहे हैं ना इस प्रकार से, ध्यान रखिए, सदैव सावधान रहिए, दर्शन आदि के ही किसी एक छोटे से कंसेप्ट को लेकर के उन्होंने मेहनत की है, परिश्रम किया है, उस पर चिंतन किया है, विचार किया, उसमें कुछ अट्रैक्शन डाला है, उसमें कुछ इस प्रकार के एडिशन, यानी जिसको कहते हैं एडिशनल, कुछ आकर्षण और कुछ ऐसी चीजें उन्होंने उसमें सम्मिलित कर दिए जिससे सामान्य अथवा बुद्धिमान जनमानस भी आकर्षित हो जावे। बस कोई अलग नहीं है, कुछ शब्दों को बदल देते हैं और जिन शब्दों से सामान्य जनमानस परिचित नहीं होता उन शब्दों के आधार पर एक व्यवस्था बनाते हैं। ये सबका प्रयास है। और देखो, जीवन चलाने के लिए जो लोग भी ऐसा करते हैं उसमें आप विचार कर सकते हैं कि वो जितना सही कर पा रहे हैं वो उनका उतना उत्तम कर्म, और जितना यदि उनकी ओर से कुछ त्रुटि हो रही है तो वो भी भगवान की न्याय व्यवस्था में हो जाएगा। किंतु ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ऋषियों के आधार पर, जो 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 भी कुछ चल रहा है संसार में वो सब ऋषियों के आधार पर ही हो रहा है। ऋषियों के द्वारा गहनतम खोज को लेकर के बहुत सारे लोग काम करते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और कभी अगर उलझे तो किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से चर्चा कर सकते हैं, आपको प्रत्युत्तर मिल जाएगा। भगवत चेतना आदि, ये जैसे आपने कहा कि ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, इन तीनों की एक स्थिति हो जाती है तो उसे इसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। असंप्रज्ञान समाधि में मन आदि को भी, स्वयं को भी भूले हुए के समान हो जाता है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आचार्य। इनके बाद मैं नहीं देख पा रहा हूं, आदर्श गट जी की, आदर्श गुट की आईडी से जुड़े हैं। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते आचार्य जी। जो दिमाग में संशय होते हैं हमारे,
वो किसी विद्वान से या हमें उनसे सहयोग से प्राप्त करना चाहिए? पहले तो हमें यही नहीं पता होता कि यहाँ से हमें संतुष्टि होगी या नहीं, उसकी पहचान कैसे करें हम अपने संशयों को दूर करने के लिए? जी देखिए, अभी इसमें देखा तो मिमीताम, जो हमारी पात्रता है हमें वही लोग, हमें पुत्र मिलेगा वही मिलेगा जो हमारी योग्यता है, जो हमारी पात्रता है, हमें आचार्य मिलेगा वही मिलेगा जो हमारी पात्रता है, हमें शंका का समाधान करने वाला मिलेगा वही मिलेगा जो हमारी पात्रता है, योग्यता है, जिसको आप आंगल भाषा में डिजर्वनेस कहते हैं। एज पर आवर डिजर्वनेस हमें वही मिलता है जो हम डिजर्व करते हैं, जो जिसके हम योग्य हैं। अब ये रहा कि भाई कैसे निश्चित करें, तो देखो ये निश्चित आप नहीं करते, ये तो निश्चित होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी ओर से प्रयास कर सकते हैं। और यदि हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयास के उपरांत भी यदि हमारी शंकाओं का, यदि हमारे संशयों की निवृत्ति नहीं हो सके हो रही है, तो देखो किसकी शरण में चले जावे, भगा हो जाएंगे। सब शंकाओं की, सब संशयों की निवृत्ति का परम आश्रय है ये भगा। ठीक है माता जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। सविता आर्या की आईडी से जुड़े हैं। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते, पूछिए आचार्य जी। ये देव दितिर नरवण, इसका अर्थ आचार्य जी? देखिए अनर्वण शब्द का अर्थ होता है गति रहित, जिसमें गति ना हो, अथवा जो स्थिर पदार्थ हो उसे कहते हैं अनर्वण। रीगतौ इस धातु से अर्वण शब्द सिद्ध होता है, और जब इसके साथ अन लगा देंगे तो अनर्वण ऐसा हो जाएगा। तो अनर्वण अर्थात जो स्थिर पदार्थ है या जिनको गति रहित पदार्थ कहा जाता है, गति रहित जो पदार्थ हैं वो हमारे लिए स्वस्ति अर्थात कल्याणकारक होंगे जी। और कौन सा, और क्या शब्द बोला आपने? ये पूछा था आचार्य, देव दितिर नरवणाः। हाँ, देव नहीं है यहाँ पर, देव्य अदिति। जब इसको अलग अलग करेंगे तो देवी अदिति ऐसा होगा, जो अदिति है वो देवी है, जो देवी है वो अदिति है, अदिति को देवी कहा, अदिति की यहां देवी संज्ञा है। जैसे विशेषण विशेष, जैसे काला घोड़ा, श्वेत गाय, तो श्वेत गाय का विशेषण है। इस प्रकार से यहां जो देवी शब्द है ये अदिति के लिए विशेषण विशेष का काम करता है। तो दिव्य गुणों वाली जो पृथ्वी है, ये अर्थ है। ठीक है जी आचार्य जी, धन्यवाद जी। चलिए आज की इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। एक बार जिनकी कृपा से हम प्रयास कर पा रहे हैं जानने का, सीखने का, समझने का, और अपने जीवन में मिमीताम पात्रता को और बढ़ाने का उन्हें पुनः एक बार स्मरण कर कक्षा को विराम देते हैं। शांत शांति ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।